वेलकम टू डॉक्टर NYR यूट्यूब चैनल। आज हम इस लेक्चर वीडियो में पढ़ेंगे सेल्स ऑफ द इम्यून सिस्टम। और सेल्स ऑफ द इम्यून सिस्टम में हम दो सेल्स इम्पॉर्टेंट पढ़ेंगे, एक है बी लिम्फोसाइट, दूसरा है टी लिम्फोसाइट। प्लीज़ टेक ए स्क्रीनशॉट। सबसे पहले हम देखेंगे बी लिम्फोसाइट्स क्या होती हैं। ये जो बी लिम्फोसाइट्स जो होते हैं, इसमें जो बी एब्रीवेशन जो होती हैं, असल में ये आता है बुरसा फैब्रिशियस जो होता है, ये लिम्फोइड ऑर्गन होता है बोर्डस में। तो यहाँ से जो बुरसा जो होता है, इसी से बी आता है। कभी कभी कोई कोई ऐसे मतलब अगर हम देखेंगे किसी किसी बुक में लिखा होता है, ये बी जो होता है ये बोन मैरो से आता है, लेकिन इसका सही जो करेक्ट है वो है बुरसा फैब्रिशियस। ये जो बी लिम्फोसाइट्स जो होते हैं, ये मैच्योर होती हैं बोन मैरो में। और इनमें क्या होते हैं, इनमें होते हैं इनके जो मेम्ब्रेन्स होते हैं, यहाँ पे एंटीबॉडीज़ इनमें प्रेजेंट होते हैं। तो अगर हम देखेंगे जो बी सेल्स जो होती हैं, या इसको बी लिम्फोसाइट्स भी होते हैं, जैसे एंटीजन से इनका काउंटर अटैक होता है, तो उस टाइम पे जो होता है उस सेल को हम बोलेंगे प्लाज्मा सेल। ठीक है ना, मतलब ये हमारी बी सेल हैं, बी लिम्फोसाइट, ये एंटीजन है। जैसे ही एंटीजन के साथ अटैच हो जाएगा तो फिर ये बी सेल जो होती है इसको बोलते हैं प्लाज्मा सेल। सिंपली इसको इस तरीके से याद रखना है, ठीक है ना। तो फिर क्या होता है, इस एंटीजन से क्या हो जाएंगे, इसमें एंटीबॉडीज डेवलप हो जाएंगे। तो जैसे वो दूसरा अटैक हो जाएगा उसका, तो उसमें वो एंटीबॉडीज़ जो है ना, उस टाइम पे उस एंटीजन को वो न्यूट्रलाइज करेंगे। मतलब जो एंटीबॉडीज़ यहाँ पे बन गए, वो उसको मेमोरी मतलब इसे वो जो बी सेल्स जो होते हैं, मेमोरी डेवलप होती है, इसलिए इनको बोलते हैं उस टाइम पे मेमोरी सेल्स भी। ठीक है ना, मतलब बी लिम्फोसाइट्स को ही मेमोरी सेल्स बोलते हैं और इन्हीं को बोलते हैं प्लाज्मा सेल्स। ठीक है ना, तो ये ऐसे सेल्स होते हैं हमारे इम्यून सिस्टम में, सिर्फ यही सेल होते हैं जिसमें एंटीबॉडीज़ जो ये एबिलिटी होती है, इसमें एंटीबॉडीज़ जो होते हैं ये बनाते हैं। ठीक है ना, तो अगर हम देखेंगे इसको ये कहाँ कहाँ पे प्रेजेंट होता है हमारी बॉडी में, स्प्लीन जो होता है वहाँ पे ये प्रेजेंट होता है, लिम्फ नोड्स जो होते हैं, न्यूड्स लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं हमारे लिम्फेटिक सिस्टम में, तो वहाँ पे ये इसकी अकरनस होते हैं, बोन मैरो में ये प्रेजेंट होता है, और माल्ट म्यूकोसा एसोसिएटेड लिम्फॉइड टिश्यू में भी प्रेजेंट होता है। जो बोल्ड्स होते हैं उनमें जो बुरसा फैब्रिशियस जो होते हैं, ये लिम्फॉइड ऑर्गन होता है बोल्ड्स में। तो यहाँ पे ये जो होती हैं बोल्ड्स में, इस बी सेल जो होते हैं इनकी जो मैचुरेशन होती है इस बुरसा फैब्रिशिया में होता है, लेकिन जो ह्यूमनस होता है उनमें मैच्योर होते हैं बी लिम्फोसाइट, वो कहाँ पे होते हैं, बोन मैरो में। इसके बाद आता है टी लिम्फोसाइट, टी का मतलब होता है यहाँ पे थाइमस। ठीक है ना, तो अगर हम देखेंगे टी जो होता है, टी थाइमस से आता है ना, लेकिन इस टी लिम्फोसाइट जो होती हैं ये भी, इसकी जो मैचुरेशन जो होती है वो बोन मैरो में ही होती हैं। जब इसकी मैचुरेशन बोन मैरो होती है, फिर क्या करता है, बोन मैरो से माइग्रेट हो जाती है हमारे थाइमस ग्लैंड। हार्ट के ऊपर एक ग्लैंड होता है जिसको बोलते हैं थाइमस, तो वहाँ पर ये माइग्रेट हो जाते हैं टी लिम्फोसाइट बोन मैरो से थाइमस ग्लैंड से, और फिर क्या होती है, वहाँ पर मैच्योर होती है। मतलब अगर हम देखेंगे टी लिम्फोसाइट का जो ऑरिजिन होता है वो होता है बोन मैरो में, और लेकिन इसकी जो मैचुरेशन जो होती है वो कहाँ पे होती है, वो होती है थाइमस में। ठीक है ना, मैचुरेशन टी लिम्फोसाइट या बी लिम्फोसाइट दोनों का बोन मैरो, ऑरिजिन दोनों का बोन मैरो होता है, लेकिन बी लिम्फोसाइट बोन मैरो में होती है इसकी मैचुरेशन, लेकिन ये जो होता है टी लिम्फोसाइट इसका थाइमस में होता है। इनमें क्या होता है, इनमें एंटीबॉडीज़ जो होती हैं ये एंटीबॉडीज़ नहीं बनाते, लेकिन जो बी सेल जो हमने अभी पढ़ा है वहाँ वो एंटीबॉडीज़ हेल्प बनाते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, इसका काम क्या होता है टी लिम्फोसाइट्स का, जो कैंसर सेल्स जो होती हैं उनको ख़त्म कर देता है, दूसरा जो होता है वायरस इन्फेक्टेड सेल्स को एलिमिनेट कर देता है, और ये जो टी लिम्फोसाइट्स जो होते हैं इनमें मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, जैसे हमने पढ़ा था
ये बी सेल्स या इसको बोलते हैं बी लिम्फोसाइट्स या टी सेल्स या टी लिम्फोसाइट्स। हमने बी सेल्स में देखा एंटीबॉडीज इसमें प्रेजेंट थे, लेकिन ये जो हमारे टी सेल्स जो होते हैं इनमें कुछ मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं जिनको बोलते हैं CD4 एंड CD8। CD4 एंड CD8 जो होता है इनमें प्रेजेंट होता है, ठीक है ना। ये सीडी जो होता है, सी का मतलब होता है क्लस्टर और डी का मतलब होता है डिफरेंशिएशन, ठीक है ना। ये मॉलिक्यूल्स सेल्स में, ये टी सेल्स में प्रेजेंट होता है। अब यहाँ पे दो होते हैं, दो मॉलिक्यूल्स, एक होता है CD4 और दूसरा होता है CD8। CD4 एंड CD8 में कि मतलब इस बेस पे भी टी सेल्स जो होते हैं दो टाइप उसके होते हैं। एक होता है टी हेल्पर सेल्स, या इसको इस तरीके से लिखते हैं बड़ा टी कैपिटल और इसके नीचे जो छोटा एच लिखा जाता है। तो इनमें क्या होता है, इनमें होता है CD4 मॉलिक्यूल। मतलब जिस टी सेल में CD4 मॉलिक्यूल होता है उसको हम बोलेंगे टी हेल्पर सेल्स, ठीक है ना। और ये जो CD4 मॉलिक्यूल्स जो होते हैं इनका ये क्या होते हैं, ग्लाइकोप्रोटीन्स होते हैं। क्या होते हैं, ग्लाइकोप्रोटीन्स। दूसरी टी सेल जो होते हैं जिसके सेल जिसके इस मेम्ब्रेन में, जिस टी लिम्फोसाइट के मेम्ब्रेन में CD8 मॉलिक्यूल प्रेजेंट होगा या CD8 ग्लाइकोप्रोटीन प्रेजेंट होगा उसको क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे टी साइटोटॉक्सिक सेल्स, या इसको लिखते हैं इस तरीके से कैपिटल टी और छोटे सी जो है ना नीचे लिखते हैं। तो इनमें क्या होता है, इनमें CD8 मॉलिक्यूल्स या CD8 ग्लाइकोप्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं। जो रेशो होता है CD4 और CD8 का, इनका जो हमारे मतलब एक नॉर्मल ह्यूमन ब्लड में जो CD4 एंड CD8 जो होता है वो होता है 2:1। टू मतलब होता है CD4 और वन इस होता है वन का रेशो, जो मतलब वन जो होता है वो CD8 होता है। तो इनकी जो वेरिएशन हो जाएगी ऊपर या नीचे कम हो जाएगा तो हमें उस ब्लड का जो कोई भी डिफेक्ट होगा उस ब्लड में तो पता चल जाता है, ठीक है ना। तो इसकी जो ऑल्टरेशन या उसकी जो इस वैल्यू में अगर कमी होगी तो हमें पता चल रहा है कौन कौन सी इन्फेक्शन होगा। तो किस इन्फेक्शन का पता चलता है हमें इससे, अगर इस रेशियो से कम होगा, यूजुअली इम्यूनो डेफिशिएंसी डिजीज़ का और ऑटो इम्यून डिजीज़ का, ये दो इन दो पर्टिकुलर डिजीज़ का पता चलता है इस रेशियो से अगर कम होगा। जैसे हम नेक्स्ट वीडियोज़ में हम एड्स पढ़ेंगे ना, तो वहाँ पे जो CD4 जो होता है ये कम होता है, ठीक है ना। तो इसका रेशियो जो होता है कम होता है ना, हम ब्लड में टेस्ट करके बता सकते हैं कि कौन सा इम्यूनो डेफिशिएंसी डिजीज़ होता है, ठीक है ना। तो इन डिजीज़ को कंफर्म करने के लिए हम कौन से मॉलिक्यूल्स को डिटरमाइन करते हैं, CD4 एंड CD8। नेक्स्ट वीडियो में कुछ और सेल्स हम पढ़ेंगे इम्यून सेल्स के। अगर आप लोगों को हमारा ये वीडियो अच्छा लगा होगा प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।